हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू IIT। और अभी मैं आपके लिए ला रहा हूँ टॉप 21 यूनिवर्सिटीज़ जिसको QS वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान मिला है इंडिया में। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था कल, उसमें मैंने आपको बताया था कि 21 यूनिवर्सिटी को टॉप 1000 में स्थान मिला है, और सिर्फ तीन यूनिवर्सिटीज़ थी उनका नाम मैंने बताया था, और वो टॉप 200 में पोजिशन मिला है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज थी वो भी बताई थी, लेकिन टॉप 21 की लिस्ट नहीं आई थी। अभी मेरे पास वो लिस्ट आई है, तो मैं अभी आपके लिए ला रहा हूँ। वो ध्यान से देखिएगा, पहली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे IIT बॉम्बे, 172 रैंक मिला है उसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 185 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, 193 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, 275 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, 314 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, 350 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, 383 रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, 470 रैंक। ठीक है, ये टॉप 500 तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है गुवाहाटी आ गया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसको मिला है 501 से 510 के बीच में, मतलब ये 10 के बीच में रैंक होगा उसका। IIT हैदराबाद को देखिए आप, 601 से 650 के बीच में। जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ पे भी देखो 651 से 700 मिला है उसे रैंक। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 651 से 700। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, 651 से 700। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 651 से 700। जामिया मिलिया इस्लामिया, 751 से 800। मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन, मणिपाल कर्नाटका इंडिया, 751 से 800। ओके, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 801 से 1000। अमृता विश्वा, उसे 801 से 1000। अन्ना यूनिवर्सिटी, 801 से 1000। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, 801 से 1000। एंड लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, 801 से 1000। तो ये हो गई हमारी 21 यूनिवर्सिटी। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वी कैन से दैट वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग आई है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है, उसमें ये टॉप में है। ठीक है, तो आपको इससे मोटिवेशन लेना है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा एनालिसिस मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि नन ऑफ द, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैज ऑब्टेन अ रैंक टॉप 100, एंड मोस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट हैव परफॉर्म्ड वर्स देन लास्ट ईयर। ठीक है, जो ये QS रैंकिंग है, क्यूकुरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, WUR, मतलब कि लास्ट ईयर जो आया था उससे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का रैंक कम हुआ है। ठीक है, ओवरऑल 21 यूनिवर्सिटी आई है इस बार इन वर्ल्ड टॉप 100, एज अपोज टू 25 लास्ट ईयर 25 आई थी। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी विच वॉज रैंक्ड एट 474 स्पॉट लास्ट ईयर हैज़ डिक्लाइन इन द पोजिशन दिस ईयर। ठीक है, इस बार डिक्लाइन हुआ है। सिमिलरली IIT खड़गपुर इज फिफ्थ इन इंडिया एंड 31/4 अक्रॉस द ग्लोब, दिस फॉल फ्रॉम 281 पोजिशन लास्ट ईयर, मतलब उसका भी फॉल हुआ है। IIT मद्रास रैंक्ड फोर्थ इन इंडिया, इट हैज़ फॉलन 4 पॉइंट फ्रॉम द लास्ट ईयर, 271 स्पॉट इंटरनेशनली एंड हैज़ ऑब्टेन 275th रैंक, मतलब IIT मद्रास 4 पॉइंट रिड्यूस हुआ है। लास्ट ईयर उसका 271 था, इस बार 275 आया है। IIT दिल्ली थर्ड इन इंडिया, 193 अक्रॉस द ग्लोब, एंड इट हैज ह्यूज फॉल फ्रॉम 182 टू 172। ठीक है, 172 था लास्ट ईयर, इस बार 182 हो चुका है। सिमिलरली IIC बैंगलोर रैंक सेकंड इन इंडिया, 185th स्पॉट्स ग्लोबली, इट स्लिप्ड बाय वन रैंक से उसका फॉल हुआ है, 184th रैंक लास्ट ईयर। ठीक है, ओके, and ranked the most top university, IIT Bombay continues hold the best rank, however it has also slipped from 152nd spot last year to 172nd rank today। ठीक है, मतलब कि 20 पॉइंट से उसका भी स्लीप हुआ है, मोस्ट ऑफ द सारी यूनिवर्सिटीज़ का फॉल हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये इमेज में भी आप ध्यान से देख पाओगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, देखो 4 ईयर का कंपेरिजन किया है, तो 4 ईयर 18, 19, 20 और 21, तो उसमें देखो IIT दिल्ली का सबसे वर्स्ट रैंक 2021 में आया है। सिमिलरली IIT बॉम्बे देखो, वर्स्ट रैंक आया था 18 में, फिर थोड़ा अप हुआ था, फिर थोड़ा और अप हुआ था, और अभी फिर से डिक्लाइन में आ गई है वो। ठीक है, तो इसी तरह से सारी रैंकिंग्स आप दे सकते हो कि कौन सी ऐसी भी कॉलेजेस थी कि जो पहले आई थी लेकिन इस साल रैंकिंग में नाम नहीं ले पाई है, जैसे कि VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका QS रैंकिंग में देखो 2020 में भी था, 2019 में भी था, 2018 में था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं ले पाई है। इसी तरह से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा में है वो, ठीक है, भुवनेश्वर, उसका भी इस बार रैंकिंग में नाम नहीं आया, जबकि
उसका तो एक्चुअली कभी भी नहीं आ पाया इसी तरह से। ठीक है, तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, लास्ट वाली देखो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ बिट्स पिलानी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका भी क्यूएस रैंकिंग वर्ल्ड वाइड में इस बार नाम नहीं आया है, जो लास्ट 3 सालों में आ रहा था, 2018, 2019 और 2020। तो एक्चुअली हम देखने जाए तो VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बिट्स पिलानी, उनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हर बार उनका नाम आता था टॉप 1000 में, इस बार उनका नाम नहीं आया। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, प्रिपेयर करिए, उससे मोटिवेशन लो कि भैया मुझे इस तरह से कॉलेज में जाना है। 12 बजे NIRF रैंकिंग आ रही है, उस पर भी मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, सो प्लीज़ वो वीडियो देखना। इन सब चीज़ों से हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें गाइडेंस लेनी चाहिए कि कैसे हम कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करें। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस।